दोस्तों हमने एक रोली बनाई, हमने एक सापट लिया, मशीन पे चढ़ा लिया हो, अब मशीन पे चढ़ा के कट लगा लिया उस पर, और देखो हमने कैसे कट लगा लिया इसको अब पूरा सी तरह, और इसको हमने एक फ्लैंच लिया हो उसके साइज, अब देखिए उसमें बोर में कट लगा रहे हैं, हमने बोर में कट लगने लग गया है, और ऊपर डया पे कट मारेंगे हमने। अब देखिए मेरा डया पे कट लग रहा है, तो हमने अब फिनिशिंग हो गया डया हमारा। अब बोर साइज नापेंगे हमने, ये देखिए वर्नियर से हमने साइज नापा, बोर साइज हमारा सही है, उसका डया भी हमारा सही है। उसके बाद हमने अब इसको काट उतार के काट दिए फ्लैंच को, इसको फ्लैंच को हमने तोड़ दिए। उसके बाद अब इसको हमने अच्छी तरह से तोड़ देंगे, इसको हमने ग्राइंडर मार देंगे अच्छी तरह से, ग्राइंडर एकदम क्लीन करके मारेंगे उसको ग्राइंडर, और इसको हमने हथौड़ी की मदद से सापन में ठोक दिए, और इसको हमने ठोक रहे हैं इसको, और उसके बाद अच्छी तरह फिटिंग कर लिए हैं, और अब इसको हमने वेल्डिंग से टाका लगाएंगे, अच्छी तरह टाका लगा लेंगे। उसके बाद तो हमारा टाका लग चुका है, अब देखिए हमारा अब इसमें वेल्डिंग मार देंगे अच्छी तरह से, जो हमारा टूट नहीं पाएगा एकदम, अच्छी तरह से वेल्डिंग मार देंगे। ये देखिए हमारा वेल्डिंग मार के कंप्लीट हो गया, लेथर से पे चढ़ा लिए फिर वापस, इसको हमने पाइप को फेस करेंगे, और हमने इसको जनरल साइज पे कट लगा दिए, हमारा कट लग रहा है अभी, इसको देखिए कट लग के दोबारा फिर हम जनरल साइज पे कट लगाएंगे। उसके बाद अब हमारा कट लग गया, इसको हमने माइक्रोमीटर से नाप के देखेंगे हमारा साइज कितना है, अच्छी तरह नापेंगे, और थोड़ा सा ओवर इसमें फाइल मारेंगे, फाइल मारने के बाद फिर एमी पेपर मार देंगे, एमी पेपर से मार कर फिर नाप के देखेंगे ओके है साइज। उसके बाद साइज हमारा ओके हो गया है, अब इसको एमी पेपर मार के अच्छी तरह से, अब हमने इसको दोनों साइज में एमरी पेपर मार देंगे, आप देख सकते हैं हमारा बन के ओके तैयार हो गया है। अब हमने इसको क्रेन से मदद से नीचे उतार देंगे रोली को। आपको अब ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।